चलिए एक बार जो लास्ट क्लास में हुआ था ना, पहले हम वो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं। तो फाइनली अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है सर? फाइनली अभी तक ब्रांच अकाउंट के अंदर कुछ बच्चे लास्ट क्लास में एबसेंट भी थे, तो मैं एक बार उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या है? ब्रांच अकाउंट के अंदर हम डिपेंडेंट ब्रांच कर रहे हैं, जो कि डेटर और स्टॉक डेटर सिस्टम है। और यहाँ पे आपका एट कॉस्ट प्राइस और आईपी प्राइस, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड हमने तीन सवाल देखे थे, जिसमें एक बोला था आपने खुद कर लोगे और दो हमने क्लास में ही कर लिए थे। इसका हमने फॉर्मेट भी देखा कि डेटर अकाउंट और ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो अकाउंट बनाए जाए, इसके साथ साथ और भी अकाउंट बनाए जाते हैं, जो कि आपने देखे थे क्वेश्चन नंबर तीन में, कि क्वेश्चन नंबर तीन में हमने कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने पड़ गए थे, जैसे बैंक अकाउंट बनाना पड़ गया था, डेटर अकाउंट बनाया था। समहाउ किताब के अंदर और भी अकाउंट दे रखे थे जो हम बना सकते थे, लेकिन हमने बोला कि हमें जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर देखा था हमने ब्रांच अकाउंट एट आईपी प्राइस। आईपी प्राइस का मतलब होता है सर, सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को ही आईपी प्राइस बोलते हैं, और इसी को लोडेड प्राइस भी बोला जाता है, सेलिंग प्राइस को ही बोलते हैं। सिंपल सर, कौन कौन सी चीजें सेलिंग प्राइस पे हमें गिवन होती है, जिसके बारे में हमें सोचना है, जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन लोडिंग करना है? तो सर, क्लोजिंग गुड सेंट पे हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक पे हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक पे हो सकता है, रिटर्न टू हेड ऑफिस पे हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस पे हो सकता है, शॉर्टेज पे हो सकता है, स्पॉइलेज पे हो सकता है, प्रीफर्ड पे हो सकता है, इन सभी के ऊपर शॉर्टेज पॉसिबल है। चलिए सर, इसके बाद देखा था हमने कि ब्रांच अकाउंट सेम वैसे ही बनने वाला है, लेकिन शॉर्टेज जिस जिस पे होगा उसका लोडिंग इस साइड आ जाएगा, उसका लोडिंग इस साइड, जैसे ओपनिंग स्टॉक पे होगा तो इसका लोडिंग इधर आ गया, गुड सेंट पे हुआ तो उसका लोडिंग आ गया। तो लोडिंग का मतलब क्या है सर? अगर 10 रुपए का सामान आपने बेच दिया 12 रुपए में, तो कितने प्रॉफिट पे बेचा? 10 वाला सामान आपने 12 में बेचा तो 2 रुपए के प्रॉफिट पे, तो जो 2 रुपए है ना, दैट इज लोडिंग। तो इनके ऊपर प्रॉफिट जोड़ के भेज देता है हेड ऑफिस, तो उसके ऊपर से हम प्रॉफिट निकाल के हम क्या करते हैं, दूसरी साइड डाल देते हैं। इसके बाद हमने देखा था सर कुछ परसेंटेज के टर्म्स, कि आपको ये ना सीधा नहीं बोलेगा कि 10 वाला सामान 12 में बेचा है, वो क्या कहेगा, हमने गुड्स को भेजा है कॉस्ट प्लस 25% या एट सेलिंग प्राइस, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, या तो कॉस्ट प्लस 25% या सेलिंग प्राइस बोल सकता है। तो सर, अगर आपको कॉस्ट प्लस 25% बोले या सेलिंग प्राइस बोले, तो उसमें आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, जो कि हमने फाइनल अकाउंट में भी देखा था। अगर आपको सेल्स देता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स देता है, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। अगर सेल्स देता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देता है, तो आपको एक्सलेट करके निकालना है। अगर आपको कॉस्ट देता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट देता है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर कॉस्ट देता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स देता है, तो आपको लेट एक्स करके निकालना है। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, किसके अंदर सर? हमने सीखा था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था सर? एक कुछ परसेंटेज है जो एग्जामिनर हमेशा पूछेगा, और इसी परसेंटेज पे एग्जामिनर काम करने वाला है, इससे ऊपर एग्जामिनर हिल नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि इसी पे पूछा जाएगा। तो इस पे पूछा जाएगा तो उसका क्या परसेंटेज है? अगर आपसे बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, अगर मैं बोलूँ कॉस्ट पे 20 है, सॉरी सेल्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर 20 है, तो सेल्स पे होगा हमारा 16.66। अगर बोला जाता है हमारा कॉस्ट के ऊपर कितना है हमारा 25, तो सेल्स पे कितना होगा 20। अगर कॉस्ट पे बोला जाए 33.33 है, तो इस पे होगा आपका 25%। तो ये परसेंटेज आपको रिमाइंड रखना है। यहां तक हमने कर लिया। ये कब पढ़ा है? ये पढ़ाया था मैंने कल, कल ही तो पढ़ाया था, कल सुबह 7 बजे क्लास हुई थी, और आई थिंक आपके उसमें अपलोड भी नहीं हुई होगी, क्योंकि बच्चे लाइव नहीं थे, तो अपलोड अब हो जाएगी वो क्लासेस। एनीवेज, अब हम आगे करेंगे, आगे हम एक सवाल देखेंगे, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इतना बिग चैलेंज नहीं है, हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमारा फटाफट से हो जाएगा क्लियर कि आईपी पे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसको करने के बाद हम फिर आ जाएंगे स्टॉक डेटर सिस्टम पे। कल आपका 26 जनवरी है, कल आप सभी बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस कल अलाउड नहीं है। तो कल आप सभी को क्लासेस तो मैं दूंगा, और वो मैं कौन सा दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास कल प्रोवाइड कर दूंगा। और कल मेरा टारगेट रहेगा कि कल मैं लंबी क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको स्टॉक डेटर सिस्टम वाला पूरा का पूरा मैं करवा दूं, तो ब्रांच जितनी जल्दी खत्म कर पाऊं वो हमारे लिए रहेगा बेस्ट पार्ट, ठीक है सर?
सर क्लास का मैसेज नहीं आया था, मैंने क्लास में ही बताया था कि 7 बजे का क्लास होगा, मैसेज नहीं किया था मैंने। ठीक है, कर लिया धीरज जो कन्वर्ट, भेज देना टेलीग्राम पे भेजना। आप देखेंगे ना क्वेश्चन के टॉप पे भी लिखा हुआ है क्या, इनवॉइस प्राइस। बड़ा छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन में क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कहता है हेड ऑफिस मुंबई हैज अ ब्रांच इन दिल्ली, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय, गुड्स जब इनवॉइस हो जाए ना तो जो गुड्स भेजा जा रहा है ना दैट इज आपका सेलिंग प्राइस पे है। क्या कहता है, गुड्स इनवॉइस, तो गुड्स जो भेजा गया है वो सेलिंग प्राइस पे है, और सेलिंग प्राइस टू एच ओ बाय द एच ओ एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी सर हम कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन रख रहे हैं, 25%, और आपको दिया जा रहा है सेलिंग प्राइस। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको परसेंटेज या प्रॉफिट निकालना होगा तो एक लेट एक्स करके निकालना होगा। बेटर है कि लेट एक्स करने से बेटर है कि हमने जो ये टेबल देखा हुआ है, कॉस्ट के ऊपर 25 है तो सेल्स पे कितना होगा, 20। हर जगह पे जो 25 दे रखा है 25 दिमाग से इरेज करके हर जगह पे हम कहां कहां क्या क्या अप्लाई कर देंगे, 20%। अगर आपको लगता है सर ये 20% तो रट्टाफिकेशन हो गया, तो लेट एक्स करके हर किसी पे आप सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे कहता है ये आगे कहता है ब्रांच अकाउंट द बुक्स हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है सर, और ओपनिंग डेटर भी गिवन है, आपको पता है ब्रांच अकाउंट के अंदर आता है ये। अब मजे की बात है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है ये आईपी पे है या नॉर्मल है, ये हमें आगे बताएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई ये दे रखा है, तो आगे कहता है कैश सेल्स आपको गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर गिवन है, गुड्स रिटर्न टू एचओ गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम आपका फॉर एक्सपेंस 14,500, स्टॉक एट द एंड गिवन है, डेटर एट द एंड गिवन है। ठीक है, ये सारी जानकारी गिवन है। तो बड़ी सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में इसने कह दिया कि हम जो भी सामान भेजते हैं ना वो किस पे भेजते हैं, हम इनवॉइस प्राइस पे, यानी हमने सामान भेजा सेलिंग प्राइस पे। तो अब देखिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, जो डेटर पहले बनाते थे ना वही अकाउंट हम फिर से बना लेंगे। अब आप मुझे सोच के बताइए, मैं कमेंट जितने अकाउंट बना लेता हूं, आप मुझे सोच के बताइए क्या आपको लगता है डेटर अकाउंट यहां बनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैंने बताया था डेटर अकाउंट के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है बस, मेनली एक कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दूसरा क्लोजिंग डेटर। अगर दोनों सवाल के अंदर गिवन है तब तो सर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। चेक करिए आप, बताइए इसको ढूंढ के, दोनों सवाल में गिवन है क्या? दोनों है, तो ये पर्टिकुलर निकाल ये ब्रांच
ये क्या है हमारा ब्रांच, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, टू ओपनिंग क्या क्या है बताओ, स्टॉक है कितने का, कितने का स्टॉक 12,500, डेटर 12,000 और बताइए बच्चों ने बता दिया सर डेटर अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है और बताइए आप यहां पे देखिए ना क्या एसेट्स है, एसेट्स तो दो ही है क्या फर्निश, अच्छा दिख नहीं रहा ये, ठीक है अब बुक्स के अंदर भी है, बुक कहाँ है आपके, नहीं प्रोग्राम में भी है नहीं है, है प्रोग्राम में है भाई दोनों की किताब में है ऑनर्स में भी प्रोग्राम में भी, जिन बच्चों को विजिबिलिटी नहीं है देख लें, ठीक है। अब सर ओपनिंग डेटर था ओपनिंग स्टॉक था, इसके बाद और भी कोई ऐसा बैलेंस नजर नहीं आ रहा कि एसेट्स का पार्ट हो, तो अब सिंपल सी बात है हम इस टोटल कर लेंगे इसको और टोटल कितना हो गया हमारा 24,500। अब कहता है गुड सेंट कितने का है, गुड सेंट 40,000। अब इसके बाद आगे फर्दर कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई कौन है, हेड ऑफिस, और दिया किसको है, दिल्ली को, तो भाई गुड्स सेंट ही हुआ ना, रिसीव कहता है कि ब्रांच कहता है भैया मुझे गुड्स मिला है, यही कहेगा ना, तो वही आपका ना कहने का थोड़ा सा क्या करा उन्होंने, वर्डिक चेंज कर दिया, बात वही है ध्यान देना, ठीक है। तो गुड सेंट कितने का कर दिया सर 40,000, कैश सेल्स कहता है तो रेमिटेंस में आ जाएगा, कैश सेल्स 16,000। इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर 29,29,500। इसके बाद आगे कहता है गुड्स रिटर्न टू एचओ, बाय में आएगा, दो हजार। इसके बाद क्या कहता है ये, कैश रिसीव फॉर एक्सपेंस 14,500, तो सर यहां पे लिख देंगे टू एक्सपेंस। अब एक बात बताइए, मैंने कहा था जब ब्रांच पेमेंट करेगा तो यहां नहीं आएगा, हेड ऑफिस पेमेंट करेगा तो यहां आएगा, इस सवाल में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट किसने किया है, नहीं लिखा हुआ इस सवाल में, तो आप मान के चलोगे हेड ऑफिस दे रहा है खर्चा, प्रायोरिटी हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है स्टॉक एट द एंड, तो बाय साइड क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या क्या है, स्टॉक है कितने का है सर 15,000। इसके बाद डेटर कितने हैं 22,500, टोटल बताइए, यहां तक समझ में आया। मैंने कहा था एक बड़ी सीधी सी बात है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, एक जवाब देना मुझे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, इधर भी मैंने लिखा सेल्स और इधर भी मैं लिखूं सेल्स, तो क्या प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है, नहीं, दोनों नंबर है, तब तक प्रॉफिट नहीं आ सकता एक तरफ सेल्स हो और एक तरफ कॉस्ट हो यानी परचेज हो। तो हेड ऑफिस ने बोला भैया जितने भी सामान है ना यहां पर दिख रहे ना आपको ओपनिंग स्टॉक वगैरह, सब सेलिंग प्राइस पे, बोला भैया सेलिंग प्राइस पे, तो सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे समझ में आता है, वो तो सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, लेकिन सर स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे है, गुड सेंट भी सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता यहां से, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा कॉस्ट। कॉस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है उसके दूसरी साइड लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व, जिसको बोलेंगे लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व। तो सबसे पहले किस किस चीजों पर ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है उसका लिस्ट मैंने पहले ही लिखवा दिया, आप लोगों ने क्लास लिया नहीं,
लेकिन मैंने पहले ही लिखवा दिया कि किस किस चीजों पे एग्जामिनर प्रॉफिट जोड़ के बताएगा। तो लिस्ट ये है हमारा सर, गुड सेंट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ के बताता है। तो भैया गुड सेंट कहाँ आता है? डेबिट में। इसका प्रॉफिट हटाने के लिए हमें क्रेडिट में वैल्यू डालना होगा, और क्रेडिट में क्या डालेंगे? सिर्फ प्रॉफिट वाला हिस्सा। ऐसे ओपनिंग स्टॉक पे होगा, क्लोजिंग पे, रिटर्न टू एच ओ एबनॉर्मल, ये सब मैंने बता दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कितना होगा? वो होगा हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के, एक तो इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, आपको पता करना है प्रॉफिट किस किस पे, एक तो, और एक, और इधर से आ जाते हैं, एक और एक, तो इसका प्रॉफिट इधर लिख दें हम, और किस नाम से लिखेंगे? बाय स्टॉक रिजर्व। किस नाम से लिखेंगे? बाय स्टॉक रिजर्व। अब इसका सर जो भी स्टॉक गिवन है ना, बाय स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, और जो भी स्टॉक गिवन है ना, और उस स्टॉक के ऊपर, हालांकि सेल्स प्लस कितना कहता था? 20। सेल्स प्लस कितना कह रहा है ये? कॉस्ट प्लस कितना कह रहा है? 25। तो सेल्स के ऊपर कितना होगा? सिंपल सी बात है, सेल्स पे कितना होगा? 20। तो हम सीधा इसका 20% निकाल ले, तो ये बनता है, समझे? या तो आप वो वाला कैलकुलेशन करिए, इस पे मुझे बता दीजिए कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो सर कॉस्ट के ऊपर 25 है, तो सेल्स के ऊपर कुछ और ही परसेंटेज होगा, तो सीधा निकाल दिया। समझ रहे हो ये बात मैं क्या कर रहा हूँ ये? ठीक है, सेम ऐसे इसके ऊपर भी कितना निकाल दें हम? बाय साइड में लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, और किस पे है ये? गुड सेंट पे, और कितना आ जाएगा? 40 का 20%। कई बार बुक में कर देते हैं, लेकिन हम अलग अलग करके चलेंगे। बुक में सीधा स्टॉक रिजर्व टोटल करके दिखा देते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत कंफ्यूजन होगी। ऐसे तो पता तो है, इसके ऊपर निकाला, इसके ऊपर निकाला, इधर से किस पे निकालेंगे? रिटर्न पे। 2000 पे कितने? 20%। 2000 पे 20% किस पे होगा? टू। कौन सा है हमारा? कौन सा है हमारा? ये रिटर्न रिजर्व। और इसी को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इसी को? लोडिंग। इसी को लोडिंग कहते हैं, रिजर्व। किस पे है सर? रिटर्न पे। कितना है सर? 800। इसके बाद फिर से निकालेंगे रिजर्व, हाँ 400 आएगा, अभी 20% है ना, ठीक है 400 आएगा, 400। और फिर दूसरे पे देखें रिजर्व, रिजर्व क्या है? किसके ऊपर निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक पे। कितने? 20%। यानी अब यहां से फाइनल हमारा सब कुछ हो चुका है, अब निकाल दीजिए टोटल करके जो निकालते हैं, ये कितना आ रहा है? नहीं इसका टोटल बताओगे ना, एक एक करके करेंगे ना, ये नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। अब इसका टोटल बताओ, कितना बताया इसका टोटल? 95। और इधर भी, और क्या आएगा बताइए, कितने आएंगे? ये क्या आ गया आंसर, जो कि एग्जामिनर को मैं बताना था, चेक करिए बुक में। समझ में आया? तो आप देखेंगे ना, तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क ही नहीं है सर, बस लोडिंग यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के उसके दूसरे साइड रखना है, बाकी बात खत्म, समझे? और आने वाले सभी सवाल में ये यूज होगा, जितने भी सवाल होंगे सभी में यूज होगा सर।